हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुक्राचार्य के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था है। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हम जान चुके हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से होता है, राजा के तीन प्रकार बताए गए हैं, सतोगुण प्रधान राजा, रजोगुण प्रधान राजा और तमोगुण प्रधान राजा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रशासनिक व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, शुक्राचार्य ने राज्य के दायित्वों का भलीभांति संपादन कर सके राजा, और उसके द्वारा उसके लिए जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनकी वह पूर्ति कर सके, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कुशलतापूर्वक संचालित की जानी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के बारे में चर्चा की है, प्रशासनिक नियमों के बारे में। अब देखिए, शुक्र ने जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चर्चा की है उसका हम अलग अलग पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मंत्रिपरिषद, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रशासनिक संगठन और प्रशासन में क्रमिक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। शुक्र का ये कहना है कि राजा कभी भी छोटे से छोटा कार्य भी बिना सलाह के नहीं करना चाहिए। तो शुक्र ने राजा के कुछ प्रमुख सहायक बताए हैं और उनको सामूहिक रूप से उसने प्रकृति की संज्ञा दी है। शुक्र के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है उसमें प्रकृति यानी कि मंत्रियों की जो संख्या है वो उसने 10 बताई है। अब यहाँ हम उन 10 मंत्रियों के बारे में या प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात की है पुरोहित। पुरोहित जो है इसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि यह मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान कार्यों को कर सके, वेदों का इसको ज्ञान हो, अपनी इंद्रियों को उसने जीत लिया हो, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, लोभ मोह से मुक्त हो, नीति शास्त्र में भी निपुण हो, और शास्त्र जो होते हैं उनके संचालन में पारंगत हो। तो इस प्रकार से उसने कुछ पुरोहित के लिए योग्यताएं बताई हैं। अब पुरोहित पद पर जो व्यक्ति होगा वो क्या कार्य करेगा, तो उसके कुछ कर्तव्य बताए हैं, जैसे कि राजा को व्यवहार में धर्म की पालन करने को कहेगा, धर्म की पालना करने को, धर्म अधर्म के मध्य अगर डिसीजन लेना हो तो ऐसे में वह राजा को उचित सलाह दे सके, तो ये उसके कार्य हैं। दूसरा पद जो बताया है शुक्राचार्य ने वो है प्रतिनिधि। सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी योग्यता की यानी कि क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में दायित्व की चर्चा करेंगे। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रतिनिधि की योग्यता ये होनी चाहिए कि उसे ये पता होना चाहिए कौन सा काम तो करने योग्य है और कौन सा काम करने योग्य नहीं है। फिर ड्यूटीज़ क्या हैं कि वह राजा के लिए ऐसी जो सलाह जो उसको लाभ प्रदान करने वाली हो, यानी कि ऐसे कार्यों के लिए जो उसको लाभ दे सके उनके लिए तो सलाह दे, और ऐसे कार्य जो राजा के लिए हानिकारक हो, न करने योग्य हो, तो उन्हें ना करने की सलाह दे। ये कार्य हो गए प्रतिनिधि के। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधान की। प्रधान में कुछ योग्यताएं और उसके बाद में उसके दायित्व की चर्चा करेंगे। प्रधान के अंतर्गत योग्यता होनी चाहिए कि वह प्रशासनिक जो कार्य हैं उनका निरीक्षण कर सके। तो इसके लिए कुछ ड्यूटीज बताई गई हैं कि जो राजकीय कार्य होते हैं उनके उचित और अनुचित का अन्वेषण करना, ये प्रधान के दायित्व हैं।
नेक्स्ट जो पद की चर्चा की है शुक्राचार्य ने, वो है सचिव। सचिव में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो सैनिक संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने वाला हो। और उसके दायित्व क्या होंगे कि वो सेना से संबंधित जो विषय होते हैं उनके बारे में कार्यों को संपन्न करे। इसके बाद हम अन्य पदों की चर्चा करते हैं। पांचवें पद पर जो है वो है मंत्री। मंत्री के बारे में शुक्राचार्य ने कहा है कि वह राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श देने की क्षमता वाला होना चाहिए। और दायित्व क्या क्या बताए गए हैं कि जितने भी राजकीय कार्य होते हैं उसमें वह राजा को उचित परामर्श दे, ये मंत्री के दायित्व हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रांग विभाग। ये एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि लोक व्यवहार का, शास्त्रों का और कानून का ज्ञान हो। यानी कि इसके जो दायित्व होंगे उससे हमें इसके पद का अनुमान लग सकता है। देखिए वह कहता है कि ऐसा व्यक्ति सभा में उपस्थित होकर के और अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर के मुकदमों के लिए जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, इनके आधार पर निर्णय उसको करना चाहिए। यानी कि ये उसकी ड्यूटी है। तो ये न्याय के संदर्भ में है। इसके बाद पद आता है पंडित। शुक्राचार्य कहते हैं कि वह धर्मशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से उसके दायित्व क्या होंगे कि राजा को वह शास्त्रों के बातों से परिचित करा सके, राजा को लोक और परलोक के बारे में ज्ञान दे सके। ये होंगे इस पद के कार्य। उसके बाद आठवें पद पर है सुमंत्र। सुमंत्र ऐसे व्यक्ति होगा जो उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो आय और व्यय इस प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से कर सके, ऐसी बातों का ज्ञान रखने वाला हो। तो उसके दायित्व क्या होंगे कि राजा को नियमित रूप से वो कितनी आय हुई, व्यय हुआ या राज्य में कितनी चल अचल संपत्ति है, उन सब का विवरण देता रहेगा राजा को। फिर उसके बाद नवे नंबर पर जो पद है वो है अमात्य। अमात्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए कि उसको देश काल का ज्ञान हो। फिर उसके दायित्व की हम चर्चा करते हैं। तो राजा को ये सूचना दे कि राज्य में किस भूमि पर खेती हो रही है, कितनी भूमि ऐसी है जिस पर की खेती नहीं हो रही है, कितना भाग ऐसा है, कितना एरिया ऐसा है जिस पर की नगर हैं, गांव हैं या वन है, जो शुल्क लगाए जा रहे हैं उनसे राज्य को कितनी राशि प्राप्त हो रही है, वनों से होने वाली आय का, खनिज संपदा का, इन सब का वो हिसाब किताब रखता है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई धन है जो जिसका कोई वारिस नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों का पता लगा करके भी वो राजा को उसके संबंध में समय समय पर सूचित करता रहता है और अपने पास में भी रिकॉर्ड रखता है इन सब बातों का। फिर दसवें नंबर पर जो पद है वो है दूत। दूत आप पढ़ ही चुके हैं, मनु के अंतर्गत, कौटिल्य के अंतर्गत। तो वह ऐसा होगा जो कि योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह सामने वाले के भावों को, चेहरे को समझ सके। फिर संधि, विग्रह, आसन, द्वैधी भाव, संश्रय, इन सब के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। और दूत का दायित्व क्या होता है कि राजा को वह दूसरे राज्य के बारे में अलग अलग प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको जुटा करके देता रहे। तो इस प्रकार देखिए शुक्र ने अलग अलग अधिकारियों के नाम बताए हैं, उनकी योग्यता क्या होगी वो बताया है और साथ में उनके कार्य बताए हैं। तो इस प्रकार से ये
वर्तमान में देखा जाए तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम है या जो आधुनिक विभागीय व्यवस्था होती है उसको शुक्र ने बताया है, अपनाया है। अगर हम इसमें पुरोहित पद को और दूत पद को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो 8 पद हैं यानी कि जो प्रमुख अधिकारी हैं वो मिलकर के एक मंत्रिपरिषद बनाते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का शुक्र ने कितने समय पहले संकेत दिया है। फिर शुक्र कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों की परख करे, मतलब उसको पद देने से पहले वह उनकी योग्यता का परीक्षण करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके जाति से, धर्म से, उनके कुल से ही वह उनको देखे। तो यहाँ पे देखिए शुक्र कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कुल की अपेक्षा वो क्या देखे कि वो कितने कर्म प्रधान हैं, उनमें गुण अथवा योग्यता का स्तर कितना है। तो इस प्रकार से शुक्र ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।